हरिओम, मेरा नाम बसंत शर्मा है। मैं मलाड ईस्ट उपासना केंद्र से हूँ। मैं बापू के यहाँ 2013 से जाना शुरू किया था। मेरा एक दोस्त था मेरे ऑफिस में, वो 2000 के पहले से ही जाते थे। उन्हीं के द्वारा मैं 2013 से बापू के यहाँ जाना शुरू किया। हमको 14 मई 2016 का दिन मैं जीजा माता मलाड उपासना केंद्र पर उपासना चल रहा था, उधर ही बैठा था, सुन रहा था। मेरे घर से फ़ोन किया मेरा छोटा बेटा जो नाला सोपारा में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसने बोला, पापा मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं नाला सोपारा जा रहा हूँ। उसका दोस्त और वो एक ही रूम में रहते थे वहाँ पर। तो मैं बोला, मैं आने के बाद जाओ। इसके बाद मैं उपासना केंद्र से घर पर आया तो नाला सोपारा के लिए वो निकल चुका था। फिर मैं फ़ोन किया तो उसने बोला, पापा उसका वो सुसाइड कर लिया है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो मैं इतना घबरा गया कि पूछो मत। मैं उसको मना किया, तुम मत जाओ अकेला वहाँ पर, लेकिन उसने गया और वहाँ पर वो दो तीन लड़के के साथ पहुँचा। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आया और पंचनामा में उसका भी नाम डाल दिया। अब हमारे सामने तो कुछ रास्ता ही नहीं बचा था केवल बापू के सिवा। मैं रात को या दिन को बापू के फोटो के सामने ही बैठता था और बोलता था, भी बच्चे का लाइफ और हमारा लाइफ आप ही बचा सकते हैं बापू। और इसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, रात को उठ को पढ़ता था, दिन को उठ को पढ़ता था। लेकिन बच्चा मेरा गया, उसका बॉडी लेके उल्लास नगर रहता था। दो तीन गाड़ी किए और बच्चे थे, गए उसको जलाए, दूसरे दिन आया सुबह। तो फिर मैं वही बापू का ही ध्यान रहता था। तीसरे दिन पुलिस चौकी से उसको फ़ोन आ गया कि तुम 10 बजे पुलिस यहाँ नाला सुपारा पुलिस ऑफिस में आ जाओ। मैं तो और घबर गया। और जो लड़का सुसाइड किया था उसका एक जीजा एडवोकेट भी था। तो मैं बोला कि कहीं ये नाम दे देंगे तो मेरा लाइफ और इसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बच्चा जाने लगा तो मैं बोला, तुम भी चलो मैं आता हूँ। मेरा एक दोस्त थे टीचर, मैं उनके साथ गया। तो बापू का याद करते रास्ते में गया हनुमान चालीसा पढ़ते। लास्ट में हमारे बच्चे को पुलिस वाले बाहर ही बैठाए थे, इसको कुछ पूछे ही नहीं, इससे कुछ बात ही नहीं की। फिर मैं फ़ोन किया, कहाँ हो, कैसे हो, तो बताया ऐसा पापा है, उसके पापा और उसके जीजा सब पुलिस अंदर हैं। तो मैं डरते डरते उसके क्वार्टर पर गया जहाँ मेरा बच्चा वो रहते थे। तो उन लोगों से मिला, फिर मैं आया घर पर। तीसरे दिन पेपर में निकला कि लड़का जो है कॉलेज की लड़की से कुछ ऐसा चल रहा था, उसने सुसाइड कर दिया और एक कुछ केस नहीं है। मैं तब जाके तसल्ली हुआ और बापू जी को मैं बार बार नमन करता हूँ। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ।